हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। इसकी स्थापना की बात करें हम तो 17 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत गठन किया गया था इसका, ठीक है। याद रखिए यह एक सांविधिक निकाय है। NCTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में। NCTE के उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्यों में शामिल है आपके समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित और समन्वित करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन करना, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, अध्यापक शिक्षा पर शैक्षणिक गतिविधियों का समन्वय करना, अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क मॉडल सिलेबस विकसित करना, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, ये सभी आपके राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के उद्देश्य हैं, ठीक। अब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की संरचना को देखें तो इसमें एक आपका अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है। ये सदस्य आपका सचिव होता है। इसमें विभिन्न अन्य अधिकारी भी होते हैं। इसकी संरचना में 4 क्षेत्रीय समितियां भी शामिल हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इन समितियों का नेतृत्व कौन करता है? क्षेत्रीय निदेशक। तो चलिए, ये था आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। आगे हम लोग बात करेंगे सिडबी बैंक के बारे में।